देखो पीछे पीछे तू देखो कोई पीछे क्या हो रहा है। हाँ जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी अनूप अहरागले, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे बताओ कि आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं यार। पूछा मैंने कुछ? तो यार अभी 4:30 के करीब टाइम हो रहा है, 30 मिनट रह गए नमाज असर की तरफ। उससे पहले जाते किचन में, देखते हैं कि क्या पक रहे हैं आज। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। ऑब्वियसली यार पकौड़े तो हर घर में होते हैं, हर अफ्तारी में आप देखो पकौड़े तो लाजमी पड़े होते हैं। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ खाने में क्या पक रहा है वो भी साथ में देखते हैं। तो यार जैसे ही मैं किचन में गया और देखा तो ये तो कुछ और ही सीन थे। माशाल्लाह आज तो चिकन बन रहा है भाई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो अभी तक तुम लोगों ने अगर तलहा स्वाति व्लॉग्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग। तो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। सिंगा चल दे। वही असर की नमाज मैंने पढ़ ली है, मेरे साथ अभी उबैद भी आए हुए हैं। उबैद क्या हाल है? ठीक हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उबैद अभी जाना है ना नीचे सकून वाली जगह पे, पीसफुल एनवायरनमेंट है वहाँ पे। तो अभी हम थोड़ा सा रोजा गुजारने के लिए नीचे जाएंगे, वहाँ पे पानी शानी भी है। क्या बोला तूने? तो बहुत मजा आता है यार वहाँ पे बैठ के। तो लेके जाते हैं आपको वहाँ पे, चलो। A few moments later. तो भाई रोज़ा हमारा गुजर नहीं रहा था आज, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी तो हमने सोचा यार यहाँ पे आ जाते हैं। अबे जल्दी बोल। और पीछे यार व्यू चेक कर सकते हो माशाल्लाह से, यहाँ पे पहाड़ देखो और ये पानी जो बह रहा है ना और इसकी जो आवाज़ है माशाल्लाह यार क्या खूबसूरत मंज़र है कसम से, मज़ा आया। चलें जी वहाँ पर जाते हैं वो सामने। पीछे देखो, कोई पीछे क्या हो रहा है? इनका भी लगता है रोजा है। यार ये तो व्लॉग बनाना ही नहीं दे रहे। इनको क्या हो गया है यार, सारे एक साथ शुरू हो गए हैं। अच्छा भाई यहाँ पे तो आके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी जगह है। तो क्या नाचो भाई? यहाँ पे हमने विजिट किया था पहली बार, लेकिन उसके बाद हम बहुत टाइम हो गया हम आए नहीं, और फिर हम अभी आए। रमजान शरीफ चल रहा है क्योंकि रोजा भी है और रोजा गुजारने के लिए हम यहाँ पे आ गए। अच्छा तो भाई जैसा कि देख सकते हो कि सूरज गुरूब हो रहा है और हमारा यहाँ पे थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा वक्त गुजार के फिर हम जाएंगे, ठीक है। और उबैद भी मेरे साथ है, उबैद वैसे ही फिर रहा है, कोई बातें नहीं कर रहा है। तो उबैद बताओ यार इनको। माशाल्लाह बहुत प्यारी पुरसुकून जगह है, बड़ा सा दरिया बह रहा है साथ में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी आए यहाँ का विजिट करें कि देखें व्यू। तलहा भाई इनको व्यू व्यू दिखाएं उस तरफ का। तो आपको तलहा भाई ने भी व्यू दिखा दी, आपने देख लिया व्यू, कितना प्यारा व्यू है और कितना प्यारा वेदर है इस टाइम। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा भाई कुछ लोग कहते हैं कि रोजा लग गया है, तो अभी तक मुझे ये वाला लॉजिक समझ में नहीं आया कि रोजा कैसे लगता है। उबैद तुम्हें पता है रोजा कैसे लगता है? तुम्हें रोजा लगे? तो यार अभी उबैद करे कि मेरी शॉर्ट्स ले लो क्योंकि इसको शॉर्ट्स बहुत पसंद है, ये टिकटॉक पे शॉर्ट्स वगैरह लगाता है। क्या कर रहे है यार तू? वीडियो एडिट करना नहीं आता, वीडियो एडिट करने के लिए मुझे कहता है ये बंदा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो यार रोजा खोलने में सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं और अभी थोड़ी सी शॉर्ट्स इसकी मैं लेता हूँ फिर जाते हैं घर। अभी चलते हैं, प्राडो रेडी है हमारी। चलें।
A few moments later. तो यार अभी मैं घर पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अफ्तारी का टाइम है, अफ्तारी करके फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? मेरे साथ रहना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है? लेट्स गो। माशाल्लाह जी, अफ्तारी लग चुकी है, अफ्तारी करते हैं अभी। A few moments later. तो भाई अफ्तारी मैंने कर ली है, अभी नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर आपके साथ मिलता हूँ, ठीक है? A few moments later. तो भाई अभी हम आ चुके हैं, हमारे गांव में कुछ मेला लगा हुआ है, बच्चे यहाँ पे मतलब इंजॉय करने आते हैं। तो ये कम से कम 2-3 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हमारे पास उबैद है यार। उबैद जी, जी बोले। ये क्या चीज लगाई हुई है यार, ये हमारे गांव में पहली मरतबा आया हुआ है। बच्चों के कुछ झूले लगाए हुए हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं। अच्छा, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। आज मेरा भी मूड है ऊपर बैठने का। चलो आज चलो यार, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक झूला यहाँ पे भी इन्होंने बनाया हुआ है। शुले शुले हमने खा लिए हैं। दानिश कैसा लगा यार? ये नहीं बैठा है, इसको डर लगता है। मुझे भी लगता था पहले, लेकिन 2-3 दफा बैठा हूँ, डर खत्म हो गया। ये बंदा जो है ना, ये अभी नहीं डर रहा है, पहले ये बैठ ही नहीं रहा था झूलों में। तो यार हम गांव के लोग हैं तो हमें ऐसी चीजों का पता ही नहीं है, पहली दफा हम बैठे। तो मजा आ गया यार आज। उबैद तुम्हें मजा आया आज? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ऐसे हवा में जाते हैं, वापस आते हैं, बंदा बोलता है अभी जन्नत को गए और वापस आ गए। जन्नत को छू के तुम आ गए हो ना। A few moments later. गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं और मेरे दोस्त भी घर जा चुके होंगे। अभी नमाज़े ईशा का टाइम है, नमाज़े ईशा अदा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यार अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा आप जियो। प्रेजेंट में अगर आप रहते हो ना तो आप सबसे ज्यादा खुश रहते हो। आप अगर फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद रहोगे कि फ्यूचर मेरा कैसा होगा, ये होगा वो होगा, तो कभी भी आप अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकते। सो आज हम थोड़ी देर के लिए बच्चे तो बन गए थे, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि हम उस प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था मेरे लिए। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपको एक जिंदगी मिली है, उस जिंदगी को अच्छी तरह जिए, अच्छी तरह एंजॉय करें, इसी तरह अपने भाई को भी सपोर्ट करें। इसी चैनल पे आपको इस तरह की मजीद खूबसूरत वीडियोस देखने को मिलेंगी, और अपने भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहना, ठीक है? ईद से पहले 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए यार, ये आपकी सपोर्ट की वजह से होगा। तो यार मैं वेट करूंगा कि ईद से पहले 500 सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाए, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा यार, ठीक है? हाय हाय, इतना सुकून। और रमजान का बाबरकत महीना भी गुजर रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, हमें पता भी नहीं लग रहा है। सो इस बाबरकत महीने में मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल द टाइम टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।